नमक नहीं डाले, नमक नहीं डाल देंगे, नमक किसी में नहीं डाले। आपके साथ से ज्यादा खूबसूरत कौन सा है? गलती तनखी जीप पे बैठे, बहुत अच्छी राइड है, मजा आ रहा। हम चिपरसन के हैं। हाँ, चिपरसन के हैं। अभी अल्तीत फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सुबह को उठे थे वहाँ गेस्ट हाउस में, जो जरा यहाँ से थोड़ा दूर है। अभी अल्तीत फोर्ट, अभी अल्तीत फोर्ट के अंदर चेकिंग करने जा रहे हैं। नई रिकंस्ट्रक्शन हुई है उसकी। पिछली दफा जब हम आए थे तो वो फोर्ट जो था वो रेनोवेटेड नहीं था। देखते हैं कि क्या रेनोवेशन। ये मुझे ब्रिज याद है, वो सख्त मटियाला पानी आ रहा है, ऊपर से बारिश हुआ है। सारी टीम, ये देखें आप, ये टीम छोटे वाला।
ये कौन थी? मास्क पहनना जरूरी है, कोरोना अभी तक है, कहीं नहीं गया वो। अबव 60 एंट्री इज फ्री। आगे जाके बीच में नहीं, तुम ब्लॉक कर रहे हो तुमको। हाँ मुझको मास्क पहने में क्या पता चलेगा कौन है? पता चलता है हमको हम कौन है। फुस ना करी। देखी 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 आज मेरा मस्त देखिए आप जी ऐसे होते फोटोग्राफ। हाँ। दिल्ली का कलर अल्टीप फोर्ट का एंट्रेंस। बल्टीप से हो गया है, अभी अल्टीप में जा रहे हैं। ये उसका पहला घर था, शादी के बाद उसने बल्टीप बनाया। किस बात?
वापस आके कैमरा भी उठाना पड़ता है। नहीं यहाँ से देखना ठीक भी हो सारा ठीक है। कौन आ रहा है? मेरा ड्रॉप देखना चल ड्रॉप देखते हैं आगे जाके। इधर तो बहुत ज्यादा सीढ़ी है, अब इधर भी आ गई। बड़ा मुश्किल काम उतरना है सर, यहाँ से नीचे चढ़ना तो नहीं है, चढ़ते उतरना नीचे जाना है उधर से कहाँ से लोग आ रहे हैं? से वो जा रहे हैं से कहाँ पे? वहाँ से भी रास्ते में होटल में जाएंगे। विजिट हो रहा है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। गुड, वेरी नाइस फोर्ट, पहाड़ों के बीच में है, हंजा की खूबसूरती है। जो हंजा आए और इस फोर्ट में ना आए तो समझ जाओ कि वो हंजा आए क्यों? आया ही क्यों, उसका मकसद ही पूरा नहीं है। यहाँ से वहाँ छलांग लगाता था और वहाँ से वहाँ जो बच गया वो चीज। आजकल के हाइकर तो ऐसे ही लगा लेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक एक हाथ से लटके रहते हैं। मैं समझे नीचे पानी में छलांग लगा। नहीं बे, पानी में तो पहुंच जाते थे खुद ही, उनको छलांग लगाने की जरूरत नहीं पड़ गई। वो वहाँ से लिए, उसने वैसे ही पानी नहीं पहुँचना है। कौन वो? ये कौन वो बड़े पत्थर के पास गाड़ी? ये है ना वो रॉक। ये बेसिकली रॉयल गार्ड का सिलेक्शन के लिए सर, बेसिकली ये था कि जंप इम्पोर्टेंट नहीं था बल्कि कादरी स्प्रेड दे चेक करते थे कि इसमें लड़ने की सलाहियत है या नहीं है हमारी कहानी। यहाँ से उधर उधर से वापस जो आए उसको रॉयल गार्ड में सिलेक्शन की जाती है। नहीं ऐसा कोई कहानी तो नहीं है सर,
इवन दे लोकल जो टूरिस्ट गाइड है एक बशीर उसका नाम है, उन्होंने भी यहाँ जब लिखा है। हमारे दो स्टाफ वजाहत जो वॉल सिटी में है, सलमान मोहम्मद अभी ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने भी जंप लगाया। ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेबल वाली कहानी है। अपने आप को बॉडी के लिहाज से जो स्टेबल करना चाहते हैं एक ये, दूसरा ये है कि नीचे इधर उधर देख के माइंड में वो ना करें, तो माइंड का हिसाब हो जाए। ड्यूरिंग रेस्टोरेशन वर्क इट वॉज फुल ऑफ द मड एंड द मड वॉज took it out. Now the stair is up there, the new induction. While in olden time this space was using for the as a dungeon, as a jail for the time being, punishment basically. While this escape room in olden time, if there is any uncertainty situation, somebody try to attempt on the fort or attack on the fort, they try to escape from here basically. सर बचा दिस इज अ प्रिंसेस रूम बेसिकली इन ओल्ड टाइम ऑफ द कल्चरल फेस्टिविटीज आर डिवाइडेड बिटवीन टू फोर्ट्स सोइंग वी आर मैनेजिंग इन द अल्टेड फोर्ट बाय हार्वेस्टिंग फेस्टिवल in the Baltic fort. On 22nd February, the king came riding in the horses behind the people, public shouting, dancing up in terms of the fort. And later they come over here. The king places here where he has traditionally gone and kept and watched a day out activity while the notables are dancing on different teams. After 2 o'clock, they go back one of the terrace where they thanks to Allah and throw the wheat of seed with the hands of king. Of that time, that's called bow for bow means seed and for means to throw. Fireplace, throwing garbage to downside river, kids sleeping area, storage, and this is amazing sundial. In olden time, the time was managed through the shadow how to go toward the terrace making plantation, prepare a food. Day activity was managed through the shadows. Outside is stunning view. Tell the time according to the shadows. So what time is it? हमें तो पता नहीं। बहुत अच्छा टूर चल रहा है अल्टीट फोर्ट का। अभी हम बाहर का व्यू देखेंगे बालकनी से। तो you have to mind your head at every step. What a view. Oh, quite a steep drop. Very nice. Wow, 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 wow. In your heads, horses. Thank you. Woo! नहीं ये कैसे ये एरो बो रखने की जगह है जी मैं मुझे दो दे क्योंकि ये आ रहा है ना सेल्फी बहुत ही उम्दा व्यूज है जबरदस्त ये कम से कम 3000 फुट की ड्रॉप है कितनी फुट ड्रॉप है ये सर 300 मीटर तो होगी सर है ना सर उसका बड़ा दिमाग खा रहे हैं टाइट का गाइड बोलेगी बोलेगी मैं कहाँ क्या जो आगे आगे भाई
मतलब कीड़े बहुत निकालते हैं, मैं इस्तेमाल कर करेगी मैं मेरा दूर। हम इधर आए थे 95 में, ये सब कच्चा था, हम यहाँ पे थे। एक रेनबो है, बना के एक तस्वीर से बना, मेरे साथ है। एक ऊपर पिक्चर ले रही बोतल सांस बड़े जल्दी फूल जाती है। 330 है, ये 330 हो गए तुम। पानी हटा दें, बाटली छुपा दो, बाटली ये दोनों के पॉइंट की फोटो दे दो, बाटली छुपा दें, बाटली। इनका अपना पोज भी बड़ा अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, एक इसके सामने, हम यहाँ स्काई लाइट के सामने खड़े हो। तो जी हमारा जबरदस्त अल्तीफ फोर्ट का फोटो शूट और सब कुछ खत्म हुआ। अब शायद नाश्ता भी हजम हो गया, शायद ये लोग कुछ हमें कॉफी शॉप। वाह वाह वाह, मेरे ख्याल से बाहर का रास्ता यही है। Yes, we are out. अब हमारे घुटनों के जोड़ वो नहीं रहे जो 10 साल पहले थे। ना कमर, ना घुटने, ओह ये बैठे हैं कुछ लोग।
ओके मैन, थैंक यू वेरी मच। सारा अल्टीट फोर्ट मैंने ऊपर नीचे सीढ़ियां सब देखा, सब देख ली सीढ़ियां, गए थे बालकनी तक, हाँ सब जगह तस्वीरें दिखाइएगा उन कमरों में गए थे जहाँ बहुत सारी पुरानी तस्वीरें फ्रेम होके लगी हैं। सीढ़ियां सिर्फ देख के आया ऊपर, ज्यादा नहीं देख के डर लग गया, फिर ज्यादा नहीं थी, कल से ही कम थी, फिर भी बहुत थी, कम थी कल से। जहाँ गाड़ी पार के 500 मीटर तो ऊपर चढ़ गया है। चलो भाई सही है ये आइस लॉली, ऑल राइट ठीक। अब जो है हम हुंजा से निकलेंगे तो आगे गिलगित जाना है, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी पीनी ज़रूरी होगी, कोई सैंडविच खाना, फिर जाएंगे हम गिलगित। हाँ। गिलगित में पिज़्ज़ा खाएंगे, तो वी मस्ट हैव अ नाइस स्नैक बिफोर द 2 hour रोड ट्रिप, है ना। कैफे डी हुंजा में दोबारा कुछ खाना चाहिए, बड़े अच्छे सैंडविच थे, सैंडविच अच्छे थे, और फिर पता नहीं हम कब आएंगे, तो इधर से खा के दागे रोड ट्रिप शुरू करें, फिर तो हम डाउन ही डाउन जा रहे हैं। अच्छा पता करें,
इधर कुछ नक्शे तो हैं, वो कह रहे हैं कैफे डी हुंजा में सबसे ज्यादा किताबें मिलेंगी, तो अब हमने यहाँ पे K2 बालतोरो गशब्रम माशब्रम नक्शे तो मिल रहे हैं, वो नक्शे लेके हम क्या करेंगे, हमें वहाँ तो जाना नहीं है। चलो ठीक है जी, हम नक्शा ले लेते हैं लेकिन हमें जाना तो है नहीं बाल तोरो आपके लिए जो है ना किताब चाहिए तो फिर वो नीचे फिर हुंजा में देख ले, उनके पास अगर है तो द हुंजा नाम है उस किताब का, ठीक है ना। ओके ओके, मैं हम आ चेक करते हैं। सरीना और विमना ना छोमे है करते हैं फिर, ऑल रोड्स लीड टू कैफे डी हुंजा इन करीमाबाद, अपना शिगर में ऑल रोड्स लीड टू द शिगर फोर्ट। अगर आपको नेट चलाना है तो शिगर फोर्ट, अगर नेस कैफे की कॉफ़ी पीनी है तो शिगर फोर्ट, चिप्स खाने हैं तो शिगर फोर्ट। आगे चलते हैं जी अपनी जीप पे, कैफे डी हुंजा नीचे है ना, नीचे। ठीक हो गया, उधर चलते हैं। चलें जी, हमारी सवारी तो बड़ी अच्छी है, हम बैठते हैं। गिलगित जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि एक कॉफ़ी पी लें और चिकन चीज़ मशरूम सैंडविच दोबारा खा लें, जान में जा रहा है तो फिर ही जा सकते हैं हम गिलगित। कैफे तक चलते हैं, अगर वो नजर आए तो हम उन्हें कह देंगे कि मैं चली गई हूँ। इधर है ना कुछ किताबें, थोड़ी सी किताबें हैं। ओ वेट अ मिनट, यही तो किताब हमें लेनी थी, ये हमने आलमजान के पास देखी थी, वो ऑथर ने खुद इनको सेंड करी थी, हमने सोचा था इसको हम, नहीं 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 ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, बट इसी इन्हीं की थी, तो लेट्स सी ये किताब शायद हम लें। पैनकेक भी है, आपका बेस्ट सैंडविच कौन सा है? चिकन चीज चिकन चीज, ठीक है।
लीक हो गया इन इसमें से कुछ है अवेलेबल है? अच्छा फ्रेंच टोस्ट भी है इससे पूरा पेट नहीं भरेगा ना मैं एक और चीज भी ऑर्डर करूँ इसके साथ आप ऐसा करें क्या चीज फ्रेंच टोस्ट ले लो ना एक आप फ्रेंच टोस्ट कर दें उसमें चीनी ज्यादा नहीं करिएगा एक हो गया तो वो कॉफी तो आप स्टार्ट कर दें पहले उन्होंने तो इससे बोल दिया था नीचे जाके पार्क कर लो कैफे को यही किताब थी ये तो नाना बासर इसके ऊपर साइन हुआ है जी जी लेकिन वो शायद उसकी दूसरी किताब है कौन सी जो नहीं, वो यही होगी यही है तो इस पे है चिपरसन का सेक्शन नहीं चिपरसन नहीं है तो उसने आलम जान को जो भेजी थी उसमें चिपरसन था बाबू से बात हो सकता है शायद छह दिन की उसकी ट्रिप है उसे चिपरसन कहाँ गया होगा चिपरसन जाने के लिए दो तीन दिन चाहिए